हेलो एवरीवन। सो आज का ये लेसन है क्लास यूकेजी के हिंदी सिलेबस का। क्लास यूकेजी के बच्चों को हिंदी सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ स्टेप वाइज। ओके, आप स्टेप वाइज जानेंगे बच्चे को कैसे पढ़ाना है आपके, और साथ ही साथ आप इसके थ्रू अपने बच्चों के लिए वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है आपका अभ्यास बिना मात्रा के शब्द। मीन्स बच्चे को अभ्यास कराना सिखाते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लास एलकेजी में बच्चों को ऑलरेडी दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। बहुत से स्कूलों में नहीं कराए जाते हैं। अगर आपके बच्चे को नहीं कराया गया है तो आप उसे पहले प्रिपेयर कराएंगे दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, उसके बाद ही आप आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अक्षर और तीन अक्षर वाले शब्द को प्रैक्टिस कराया है। फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं फिल करना है बच्चे को। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये चार अक्षर वाले शब्द हैं, ये यू कैन सी चार अक्षर वाले शब्द। फिर आता है आपका आ की मात्रा। आ की मात्रा बच्चे को सिखाया जाता है। सो उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है डॉटेड मीन्स डॉट में आपके बच्चे यहाँ पर राइट करेंगे डॉट डॉट पे, अरे पेंसिल ट्रेस करके। ओके, बच्चे ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे बिना ट्रेसिंग के आपके बच्चे को राइट करना होगा। फिर यहाँ देख सकते हो आप कि वर्ड्स दिए हुए हैं मीन्स शब्द दिए हुए हैं बच्चे को, उसे रीड करना है फिर राइट करना है। फिर आता है अभ्यास सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मीन्स इसमें से आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं और बच्चे को राइट करने के लिए बोलना है। फिर है आपका मिलान कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, एक साइड पे राइट किया हुआ है उसके नेम, बच्चे उसको मैच करते हैं। फिर आता है ई की मात्रा। ई की मात्रा से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही आपका आ की मात्रा वाला शब्द कंप्लीट होता है आप बच्चे को डिक्टेशन बोलिए मीन्स श्रुतलेख बोलिए। जैसे ही आप डिक्टेशन बोलोगे श्रुतलेख बोलोगे बच्चे को राइट करना होगा आ की मात्रा वाले शब्द, जो भी आप शब्द बोलते हैं उसको राइट करना है। अगर बच्चे ने सही सही राइट कर लिया इट मीन्स कि बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया है आ की मात्रा वाले शब्द। अगर बच्चे ने नहीं राइट किया इसका मतलब कि उसको नहीं समझ में आया है। सो यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन, आपको दोबारा से आ की मात्रा उसे एक्सप्लेन करनी होगी, स्टार्ट करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट अगेन ई की मात्रा में वैसे ही डॉट दिया हुआ है बच्चे को ट्रेस करना है। फिर यहाँ पर बिना डॉट के है बच्चे को राइट करना है मिलाकर। फिर आपका शब्द दिया हुआ है, शब्द को बच्चे को राइट करना है, रीड एंड राइट, रीड भी करे, ऐसा नहीं कि बिना रीड के राइट करे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं फिल करना है बच्चे को रीड करके कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी अगेन सेम वैसे ही जैसे आ की मात्रा में एक्टिविटी किया है वैसे ही आपका ई में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ई की मात्रा आ गई है। तो इससे पहले मैंने जैसे आ में बताया डिक्टेशन, वैसे यहाँ जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद बच्चे को डिक्टेशन कराएं। डिक्टेशन कराने से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नेक्स्ट आपका ऐसे शब्द दिए हुए हैं सी सेम वैसे ही सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं सही शब्द चुन के वाक्य पूरे करने हैं। फिर ई की मात्रा के शब्दों में रंग भरो। इसमें छोटी छोटी बड़ी बोलते हैं, वैसे तो बोला नहीं जाता है, बहुत से स्कूल में बोलते भी हैं। तो ई और ई की मात्रा का शब्द दिया हुआ है यहाँ पर और आपको इसमें बच्चे को ई की मात्रा वाले शब्द में कलर करवाना है। ओके, फिर आता है आ ई ई की मात्रा। इसमें आपका पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पर उसके नेम है, मैच करना है बच्चे को। फिर यहाँ बिना नेम के है बच्चे को देखकर चित्र नाम राइट करना है मीन्स नेम राइट करना है। फिर ऊ की मात्रा आता है, यहाँ पे भी आप डिक्टेशन बोल सकते हैं आ ई ई की मात्रा वाले तीनों को मिलाकर। ओके, फिर ऊ की मात्रा कराएं। यहाँ देखिए आप, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसके लिए मैं फिर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी एज़ यू कैन सी कि पीछे जैसे ही अक्षर कंप्लीट हो रहे हैं ये उ ऊ री ए ऐ, तो उनको मिक्स करके भी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। सो जैसे ही आपका कुछ अक्षर कंप्लीट होते हैं तो उन्हें मिक्स करके बच्चों को दे दें राइट करने के लिए, मैच करने के लिए एक्टिविटी के थ्रू, बच्चे बहुत अच्छे से उसको वर्क करेंगे।
डिक्टेशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे श्रुतलेख, वाक्य रचना। अब आता है बच्चे का, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर वाक्य रचना, बच्चे को वाक्य पूरे राइट करने होते हैं। यहाँ डॉट डॉट में दिया हुआ है, मीन्स बच्चे को ट्रेस करना है, फिर साथ ही साथ नीचे राइट करना है पूरे सेंटेंसेस। सी वाक्य रचना दिया हुआ है। फिर रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा का अभ्यास। फिर उन्हें ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर पिक्चर दिए जाते हैं, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। सी चित्र वाचन, मीन्स दिए गए चित्र को देख कर शब्द लिखो। बच्चे को ये चित्र दिए हुए हैं, आपके बच्चे को यहाँ पर उनसे ही रिलेटेड शब्द लिखने होते हैं। ओके, यहाँ पे भी चित्र दिया हुआ है, बच्चे को शब्द लिखना है। दृश्य दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे जानवरों के, जानवर बने हुए हैं, मीन्स एनिमल्स बने हुए हैं, तो इन एनिमल्स के नेम बच्चे को राइट करने होते हैं। फिर यहाँ फ्रूट्स है, फ्रूट्स जैसे फल है, फलों के नाम बच्चे को राइट करना है। फिर इसका डिक्टेशन बोला जाएगा बच्चे को। फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, मीन्स की सब्जियाँ हैं, इसके नाम लिखने हैं बच्चे को। फिर असेसमेंट आता है, आप असेसमेंट तो बीच में भी कहीं पे भी ले सकते हैं अपने बच्चे का, कि उन्हें क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है। फिर इसमें लास्ट में दिया है, कोई बात नहीं, आप बीच बीच में भी अपने बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, मीन्स असेसमेंट कर सकते हैं। हियर इज़ द एंड। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।